अब जो लोग थे, जब भय का काला लबादा उन्होंने हटा दिया तो पूरी तरह तो नहीं लेकिन आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि डर का झूठ से करीब का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लिपछिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। ये जो था मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन की पूरी बनावट को ही चेंज कर दिया। कुछ पर इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा, फिर प्रभाव मिट गया, पर लोगों पर पूरी तरह से इसका प्रभाव नहीं मिटा। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी हुई। हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। अब अगला टॉपिक है, गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी वो सक्रिय कैसे हुई। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश कर दिया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह चेंजिंग ला दी। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन वाला बना दिया। अब उसमें किसानों ने भी प्रवेश कर लिया और अपने नए रूप से एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिससे मध्य वर्ग के लोग जो संख्या में बिखरे हुए थे उनका काफी जोर आ गया था। अब उसका जो खेतीहार चरित्र बढ़ने लग गया, औद्योगिक मजदूर भी इसमें आ गए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अलग से, संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार क्या था? सक्रियता। और सक्रियता भी कैसी? जिसका आधार क्या हो? शांतिपूर्ण पद्धति। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था या हिंसक कार्रवाई करना था। इन दोनों तरीकों को ही एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की जो थी विशेष रूप से गांधी जी ने निंदा की, क्योंकि वो कांग्रेस की जो मूल नीति के खिलाफ थे। काम करने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया जाएगा, वैसे शांति बनाई रखी जाएगी। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाले जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया और गांधी जी के इस विचित्र प्रकार की शांतिवादी थे, वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय आदमी थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी और न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वो गलत समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर ताकत थी, गर्चे वे ऐसी शांतिपूर्ण और सिर ढंग से करते थे। सक्रियता का तो जो आह्वान था वो दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसके मुकाबला करने की सक्रियता तो उनमें थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की भी उनमें सक्रियता थी। कांग्रेस के कुछ आधार थे जिसमें राष्ट्रीय एकता, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को भी खत्म करना शामिल